पोजीशन। अब ये सवाल थोड़े ज्यादा लेवल पे है कॉम्प्लेक्स इस मामले में, क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट इस फंक्शन ऑफ टी निकालने को दिया है और वाई का जीरो क्या है, ये ऊपर दूर यहां जीरो है, राइट। और स्प्रिंग के लिए सारी डिस्टेंस कहां से नापते हैं, नेचुरल लेंथ से। आप लोगों को मैंने वर्क एनर्जी बोला था, ये रूल है याद रखिएगा, स्प्रिंग मतलब सारे डिस्टेंसेस कहां से नापने, नेचुरल लेंथ, राइट। देखते रहिए, स्टेप वन इज फाइंडिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो लेट से जहां पर ये है वहां से एक्स वन नीचे ऐसा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होगी जहां पे kx1 mg के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम कहीं पर भी इस पे जाके फोर्स देखेंगे, लेट्स से यहां से x नीचे, तो एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर और एक फोर्स लग रहा होगा नीचे, और चूंकि हमने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो हम ये लिखेंगे m d2x by dt square is equal to mg minus kx। एनी कंफ्यूजन? दिस इज पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज फोर्स। प्लीज पे अटेंशन कि मैं फोर्स साइन के साथ लिख रहा हूं। आप लोग जो लोग एस एच ए में एक बार पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उन लोगों को कई बार इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि साइन की चिंता मत किया करो, एंड में माइनस छेप लेना, राइट। इसकी वजह से 99% टाइम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1% टाइम पड़ेगा, वो 1% हो सकता है जेई से मैच हो रहा हूं, राइट। 99% कोई फर्क नहीं पड़ता, सही क्या है बहुत फर्क पड़ता। तो मैं यहां पर फोर्स विद साइन लिख रहा हूं, आदत डालिए, जब भी हमको सवाल सॉल्व करने, ओमेगा निकालने के, किसी भी चीज के फोर्स लिखने के, तो अपन जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट माने उस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन मान ले, एंड फोर्सेस या टॉर्क जो भी है विद साइन लिख। हो सकता है हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा न्यूटन्स लॉ में हम स्लो थे, क्या फर्क पड़ गया रिजिड बॉडी में। आई होप आपसे फास्ट कोई नहीं होगा, राइट। वेर इट मैटर्स वी आर फास्ट, वेर इट डज नॉट वी आर स्लो, केयरफुल ताकि गलती ना, राइट। सो यदि हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव माना डिस्प्लेसमेंट, कोई कंफ्यूजन? श्योर? ओके, समझ में आया साइन? इज दिस इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इज दिस इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, प्लीज आंसर यार। यस और नो में भी आप लोग इतना सोचते हैं, जिस तो पता नहीं, मतलब गलत हो गए तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। बड़े आगे तो प्लीज जल्दी जवाब दिया करिए, ये कह रहा हूं मैं, आपकी बेइज्जती नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। बड़े आगे, तो क्या एसएचएम की इक्वेशन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो मीन पोजीशन नहीं है एक्चुअली, इनफैक्ट ये आपको और भी कई बार मिलेगा, राइट। इसीलिए स्टेप वन क्या थी, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। शायद वो रिडो वाला सवाल भी आपको यदि याद हो, राइट, तो उसमें भी हमने ओरिजिन शिफ्ट किया था, और हमको जब भी इस फॉर्म में कभी सवाल मिल जाए तो इसका क्या मतलब है कि एसएचएम है कि नहीं है, है, लेकिन नॉट अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एसएचएम तो है बट नॉट अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। यू टेक एक्स आउट, दिस इज वॉट इट बिकम्स। So it is SHM about a position x minus f naught by k, not about x is equal to 0 but about s is equals to 0. समझ में आ रही बात? Same thing we are going to do here also, right? We define a new variable here which is s, which is equal to
x माइनस x1, वेर x1 इज mg बाय k. सो दिस इज योर न्यू वेरिएबल s. इफ यू वॉन्ट टू कीप ट्रैक, दिस इज वॉट वी हैव बीन डूइंग. अवर y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल वॉज एल नॉट प्लस एक्स, एल नॉट प्लस एक्स, बट नाउ वी आर शिफ्टिंग अवर वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू एस. सो एक्स बिकम्स एक्स वन प्लस एस. This is the y coordinate of our particle, L0 plus x1 plus s. Any confusion? वहीं से उठा के लिख का भाई, दिख रहा है सबको? s plus x1 plus L0, क्योंकि हमसे तो y coordinate पूछा है ना, बड़ू में आ गए. Alright. And here we can see that d2s by dt square would be exactly same as d2x by dt square. This derivative would be exactly same as this. दिखता है कि नहीं? वो तो कट ही जाएगा, constant differentiation. Hence, this equation can be changed to look exactly like SHM equation now. And solution to this equation, we should know, is A sin omega t plus phi, where omega, we can make out from that equation, is root k by m. A or phi nikalna hai, please begin again.